गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है कल। आज है 3 दिसंबर और उनका बर्थडे है कल 4 दिसंबर को, तो उनको खुद भी याद नहीं है इस बार कि उनका बर्थडे है कल। उनके माइंड में ही नहीं है, बिल्कुल भी उनको याद नहीं है कि उनका कल बर्थडे है। तो मैंने बस उसको विश करनी है और छोटा सा सरप्राइज मैंने प्लान किया है, उनके लिए केक लेके रखा हुआ है और कुछ साथ में और भी है, कुछ स्पेशल मोमेंट मैं उनके साथ कैच करना चाहती हूँ इस बर्थडे पे। मैं चाहती हूँ कि चलो कुछ तो सेलिब्रेट किया जाए डेली की बोरिंग लाइफ से, कुछ ऐसे ट्विस्ट हमें लाना चाहिए लाइफ में कि जिससे थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो, अपने पार्टनर को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे, और कुछ ऐसा टाइम हमें स्पेंड करना चाहिए जो लाइफ टाइम के लिए हमें याद भी रहे। इस बर्थडे के मोमेंट्स मैं आपके साथ भी जरूर शेयर करूंगी। अभी हो रहा है टाइम 10:35 PM और आज है 3 दिसंबर। मैंने कुछ साथ में छोटी सी चीज़ दी है जो उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल लगेगी, आई थिंक सो, कि आज तक मैंने वो काम किया नहीं है जो मैं आज करूंगी उनके लिए, ताकि उनको अच्छा लगे, उनको स्पेशल फील हो। आगे देखते हैं, 12 बजे हम लोग फिर केक कट करते हैं और उनको मैं उठाऊंगी, अभी तो वो सोए ही नहीं है। मैंने कोई डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं की है, वो मैं करूंगी भी नहीं क्योंकि अभी वो घर पे ही हैं और उनके सामने अगर मैं करूंगी तो उनको शक हो जाएगा, उनको याद भी आ जाएगा कि उनका कल बर्थडे है। उनको याद नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे उनको याद आ जाए कि उनका कल बर्थडे है। तो अब मैं 12 बजे केक कट करूंगी और ये सारे मोमेंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। गाइस गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाऊं, ऐसे व्लॉग्स बनाऊं। तो गाइस मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, भर भर के मुझे कमेंट्स कीजिए जिससे मैं आपको कुछ एंटरटेन कर सकूं। उनको शक हो जाएगा मैं अंदर बोल रही हूँ रूम में कि उनको मेरी आवाज ना सुन जाए। तो गाइस चलिए हम मिलते हैं 12 बजे। 12 बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं और अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं सोए, ना ही अलीना सोई है। अलीना तो अभी इधर आ भी गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। अलीना आ गई है, देखो गाइस, और ये कितनी शरारत की मूड में, अभी तक नहीं सोई, 12 बजने को आ गए लेकिन ये लड़की सोने का नाम नहीं ले रही है। तो गाइस मैंने सोचा था कि सब सो जाएंगे और मैं अपने हस्बैंड को उठाऊंगी देन उनको विश करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभी भी वो बाहर ही बैठे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। तो पहले मैं रूम में सारी सेटिंग कर लेती हूँ, केक वगैरह रख लेती हूँ जल्दी से, देन उनको मैं रूम में लेके जाऊंगी और विश करूंगी। चलिए हम लोग केक लेके अंदर जाते हैं रूम में। कैंडल भी वहाँ से लिया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था हार्ट वाला कैंडल, तो ये भी मैं इसमें लगाऊंगी। तो गाइस ये है केक और यहाँ पे हम लगा देते हैं ये कैंडल। मेरे हस्बैंड बाहर बैठ के टीवी ही देख रहे थे, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं अंदर क्या कर रही हूँ, क्या प्लानिंग कर रही हूँ। तो मैंने सोचा अभी उनका ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं थोड़े बैलून भी फुला के बेड पे रख देती हूँ। तो मैंने जल्दी से 4 to 5 बैलून फुला के बेड पे रख दिए, उससे और भी अच्छा लगने लग गया। तो चलो थोड़ी सी डेकोरेशन भी हो ही गई इस बहाने से। तो मैंने पीछे जो लाइट्स लगाई हुई है ना बेड के पीछे, आप देख रहे हो, वो पहले से लगी हुई है क्योंकि मैं यूट्यूब की वीडियोज़ यहीं पर बैठ के बनाती हूँ, वो मैंने पहले से ही लगाई हुई थी। तो गाइस मैंने सब डन कर दिया है, अब मैं अपने हस्बैंड को जल्दी से लेके आती हूँ। ओह मेरा बर्थडे था, मुझे याद ही भूल गया आज। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।
गाइज ये है वीडियो का स्पेशल पार्ट, मैं इनको आज रोज़ दूंगी। फर्स्ट टाइम मैं रोज़ देने लगी हूँ, मेरी जब से मैरिज हुई है मैंने कभी भी इनको रोज़ नहीं दिया। जब हम बोलेंगे 1 2 3 तब, ठीक है, 1 2 3। बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज बहुत सारे लाइक्स दे देना और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलना गाइस। चलिए गाइस अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।